सारी कवर बंद करके रख दीजिए. रिचुअल विच मेक नॉनसेंस का कोई काम और कोई तुक नहीं बनता है. सेम मेकअप के में मेकअप करते बैठेंगे की लाइफ संभालेंगे. नमस्ते एंड वेलकम टू माई चैनल. सो कल करवा चौथ था और उसके बाद से मैं आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ नया. तो आज ना बहुत सारी चीज़ें करनी है. आज मुझे 3 वीडियोस शूट भी करने हैं और जिसमें से 2 वीडियोस जो है वो एडिट भी करना है कि उसके 1-2 दिन बाद मैं मुंबई जा रही हूँ. तो मैं ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए जा रही हूँ. तो एक्चुअली मेरे को काम है, बहुत सारे पेंडिंग काम हो गए तो वो मुझे निपटाना है. और दिवाली भी आ रही है तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा घर क्लीन व्लीन कर दूंगी. और दिया वैसे विक्की जाता रहता है तो पूजा होती रहती है घर में. मतलब हमारा इस चीज़ पे कंसर्न होता है कि घर में पूजा होती रहे भाई, हर थोड़े थोड़े दिन में घर खुलता रहे. और नहीं तो अदरवाइज मुंबई में क्या होता है, अगर जहाँ आपने घर को 1 महीने के लिए बंद किया कि आपके पूरे घर में फंगस चढ़ जाती है. और मैं जा ही रही हूँ वहाँ पे, तो जिससे मैंने हेयर कट कराया था लास्ट में उन्हीं से अपने बाल भी कटवा के आऊँगी. और वो जो स्ट्रिंग्स मैंने लगवाए थे ना अभी मेरे बालों में अभी भी हैं काफ़ी सारे. मैं दिखाती हूँ आपको, हैं दिख रहे हैं ना थोड़े थोड़े, पीछे के तो मुझे दिखते ही नहीं है बट हैं बहुत प्यारे प्यारे, हल्के हल्के से वो चमकते हैं. तो वो जो स्ट्रिंग्स हैं मैं वो भी लगवा करके आऊँगी. हम लोगों ने करवा चौथ किया था अभी, जो जला जहाँ पे पूजा करते हैं ना ऐसा बोलते हैं कि एकदम से आपको वो जो चीज़ें होती हैं, मतलब जहाँ पे भी आप पूजा कथा या जो भी करते हैं ना वो एकदम से हटाया नहीं जाता है, एक दिन बाद ही उनको जो भगवान है उनको स्थान से हटाया जाता है. क्योंकि मैं करवा चौथ की ना इस बार काफ़ी स्टोरीज डाल रही थी. वैसे वहाँ ना मेरे पास एक कॉमेंट आया था, उसने लिखा था हेलो सिस्टर, यहाँ पे मैं चिपकाती हूँ, आई वॉच योर वीडियोज एंड लव इट, यू आर सच एन इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड फीमेल एंड स्टिल फॉलो दीज रिचुअल विच मेक नॉनसेंस. वेमेन और मेन शुड ओनली फास्ट फॉर गॉड, नेवर गिव इम्पोर्टेंस ऑफ गॉड टू एनी ह्यूमन बींग, चाहे वो आपका हस्बैंड या वाइफ ही क्यों ना हो. करवा चौथ इज जस्ट एन ओल्ड रिचुअल विच नीड्स टू बी गो, वन शुड ओनली फास्ट फॉर ऑलमाइटी गॉड. तो मे बी शायद बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा. एजुकेटेड होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने संस्कार, आप अपने रीति रिवाज या आप अपने जो फैमिली रिचुअल्स हैं उनको बिल्कुल ही पीछे छोड़ दो. बिल्कुल दकियानूसी रीति रिवाज हैं जिनका कोई तुक नहीं बनता है या जिससे इंसल्ट होती है या किसी को नीचा दिखाने वाले जो रिचुअल्स होते हैं ना, उन रिचुअल्स को मैं नहीं मानती हूँ. लेकिन जो रिचुअल मुझे ऐसा लगता है कि हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं, एक अच्छा माहौल क्रिएट करते हैं, जिनको करने से अच्छा लगता है, वो डेफिनेटली मैं फॉलो करती हूँ. और अदरवाइज मैं वहाँ पर भी थी तो मैं सारे फेस्टिवल्स अकेले वहाँ पे मनाती थी, चाहे वो करवा चौथ हो, गणपति हो, कन्या भोजन हो, ग्यारस की पूजा हो, मतलब एवरी सिंगल थिंग. फेस्टिवल्स मनाने का मतलब ये होता है, बहुत सारे हमारे इंडियन फेस्टिवल्स में हर एक फेस्टिवल के पीछे एक लॉजिकल साइंटिफिक रीज़न है, इंक्लूडिंग करवा चौथ एज वेल. तो अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल करिए, और आपको गूगल करने पे भी वो नहीं मिलता है तो मुझे बताइएगा, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी. उसका मतलब ये होता है हैप्पीनेस, एक अच्छा माहौल हो जाता है घर पे, आप नए कपड़े पहनते हो, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हो. तो मुझे नहीं लगता उसको करने में कोई दिक्कत है. डेफिनेटली जैसे आप अगर इनइक्वालिटी की बात करोगे, करवा चौथ में बीवी ही क्यों व्रत रख रही है, बीवी ये क्यों कर रही है, वो क्यों कर रही है, तो हम लोग बहुत इक्वली उसको सेलिब्रेट करते हैं विक्की और मैं. और मैं आपको एक बात बताऊं, जितना ज़्यादा जो एजुकेटेड होगा ना वो उतना ज़्यादा अपने रिचुअल्स, रीति रिवाज, अपने जो को और ज़्यादा मानता होगा. क्योंकि आई थिंक एजुकेटेड होने का मतलब ये भी है ना कि वो उन चीज़ों के पीछे का लॉजिक समझता होगा. कि एजुकेशन आपको आपके संस्कार, रीति रिवाज, रिचुअल्स छुड़वा देती है, तो ऐसी एजुकेशन का कोई काम और कोई तुक नहीं बनता है. मैं पहले सोच रही थी इंस्टाग्राम पे इनको आंसर कर दूं, पर मैंने सोचा इनके जैसे और भी लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि यार ये तो बड़ी एजुकेटेड है, ये फालतू की चीज़ें क्यों कर रहे हैं ना, लाइक दैट. तो इसलिए मैंने इसमें आंसर दे दिया. अच्छा, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मेरा जो साड़ी वगैरह मैं लेकर के आई हूँ ना हॉल, वो शो करूंगी. तो शावर लेने के लिए चलते हैं और अपना जो ये इतना लंबा सा दिन है वो स्टार्ट करते हैं. तो क्योंकि आज बहुत लंबा दिन है एंड मुझे थोड़ा कुछ कंफर्टेबल पहनना है तो मैंने निकाला हुआ है ये. आई एम वेयरिंग दिस ब्लिस क्लब का पैंट, दिस इज इन द साइज S. बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग पैंट है ये. मैंने इसके बारे में आपको लास्ट जो वीडियो है ना उसमें भी बताया था, बट दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी अमेजिंग. तो मैं इसको पहनूंगी, मतलब बहुत कंफर्टेबल लगता है आपको, ना तो इसमें गर्मी लगती है ना आप कितना स्ट्रेचिंग करना है. वर्कआउट तो कर ही सकते हो आप, वर्कआउट तो डेफिनेटली कर सकते हो, दिस इज अ वेरी कंफर्टेबल वर्कआउट पैंट. बट अपार्ट फ्रॉम वर्कआउट ही आप नॉर्मल डे टू डे उसमें, तो मैं तो उसको बहुत रगड़ती हूँ, मतलब लिटरली बहुत रगड़ती हूँ. मैं सोच रही हूँ 1-2 कलर्स में और लेने के लिए, लेके आती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ. ओके, सो जस्ट टुक शार इन टू वेरी कम्फीस क्लोथ्स, मैं दिखाती हूँ आपको. तो ब्लिस क्लब इज अ लीडिंग एक्टिव वेयर ब्रांड इन द इंडियन मार्केट टू डिजाइन सुपर कंफर्टेबल एंड गॉर्जियस एक्टिव वेयर स्पेसिफिकली फॉर द वुमेन ऑफ इंडिया लाइक यू. ब्लिस क्लब इज अ कम्युनिटी फर्स्ट ब्रांड दैट क्राफ्ट्स टेक्निकल अपैरल फॉर वुमेन हु मूव इट.
So it crafts its product with the utmost intent, thought and a love. And this is a female founded company as well. तो मैंने ये जो कैरी करी है ये ब्लिस क्लब की फ्लेयर पैंट्स हैं. इनके अंदर फोर पॉकेट्स होते हैं. इस आगे देखिए आप दो पॉकेट हैं, ये जिसमें मैंने एक हाथ डाला है. आप आराम से अपना मोबाइल रख सकते हो और ये गिरेगा भी नहीं. आप चाहे साइकिलिंग करो या कुछ भी करो, रनिंग करो, लेटो बैठो, जो भी करना है यहाँ पर आप कीज़ वगैरह रख सकते हो. बहुत अच्छी पॉकेट्स हैं और पीछे यहाँ पर थोड़ी छोटी पॉकेट्स दी हुई हैं, आप छोटा मोटा सामान रख सकते हो. इनकी जो वेस्ट बैंड होती है ये फोल्डेबल होती है, हाई वेस्ट होता है, इनसेनली स्ट्रेची होते हैं. ये लोग जो फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं ये न्यू विंड फ्लो फैब्रिक है. फ्लैट होता है बॉडी के लिए, कैन बी वोर्न इन एनी क्लाइमेट, किसी भी क्लाइमेट में आप पहन सकते हो. एक्टिव लाइफ के लिए तो परफेक्ट ही, एंड फॉर ऑल फॉर्म ऑफ मूवमेंट्स इट्स ग्रेट वर्क टू वर्कआउट पैंट्स. और आप बहुत ही सीमलेसली ट्रांजिशन कर सकते हो थ्रू आउट द डे, मतलब आप दिन भर पहन. बारी आती है स्किन केयर की, टू अप्लाई माय मॉइस्चराइजर बिकॉज़ मेरी स्किन बहुत ज्यादा, यहां से ये दिख रहा है आपको, बहुत ड्राई हो रही है स्किन, थोड़ी पील हो रही है. तो उसके लिए और सिर्फ यही एरिया ये सेंसिटिव होता जा रहा है वो, तो मैं बहुत सारा मॉइस्चराइजर लगाने वाली हूँ. वैसे सनस्क्रीन लगा रही हूँ. ये जो सनस्क्रीन है ना ये भी अगेन नॉन ड्राई वाली सनस्क्रीन नहीं है जो मैं लगाती हूँ डर्मा को की, वो नहीं लगा रही क्योंकि वो थोड़ी सी ना मैटिफाई कर देती है. मुझे मैटिफाई नहीं करना है अपनी स्किन को, रब नहीं कर रही हूँ ताकि ये वही स्किन अंदर के अंदर अब्सॉर्ब हो जाए सब कुछ. थोड़ा सा Now it's time for a client call. So basically, जब मैं न्यूमरोलॉजी सीख रही हूँ ना उसमें now I have started taking. मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ना कि मेरी एक फर्स्ट क्लाइंट फैमिली फ्रेंड है वो हमारी. अभी क्या कर रही हूँ, प्रोफेशनली उतरने से पहले मैं जो मेरे क्लोज्ड वंस हैं जिनको प्रॉब्लम है कुछ, उनको मैं उनका पूरा जो भी एनालाइज है वो करके दे रही हूँ, पूरा पूरे नंबर्स के थ्रू एंड डेट ऑफ बर्थ, उनका नाम करेक्शन करके दे रही हूँ, उनके लकी कलर्स क्या हैं, उनकी लकी डेट्स क्या हैं, और वो अगर किसी बिजनेस में है या किसी जॉब में है तो वो उनके लिए सही है कि नहीं है, मतलब ये सारे प्रेडिक्शंस. एंड अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी रेमेडी, किसी चीज की कमी है तो उसकी रेमेडी क्या है, वो रेमेडीज में दे रही हूँ. चीज फॉलो करेंगे तो मुझे डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा, मेरे को मेरे पांच भी अगर सक्सेसफुल हो गए तो आई एम गुड टू गो, मैं प्रोफेशनली उतर जाऊंगी फिर. तो उसके लिए अब जैसे ना मैं ऐसे पूरी रिपोर्ट तैयार करती हूँ, देखिए तो ऊपर का तो नहीं दिखा रही हूँ, तो मैं इस तरीके से पूरा रिपोर्ट तैयार करती हूँ लाइक दिस. एंड यहाँ पर सारे नंबर्स की रिपोर्ट, मतलब एक एक चीज़ लिख रही हूँ मैं ताकि मेरी प्रैक्टिस भी हो. ये देखिए ये यहाँ पर नेम करेक्शन है तो मैं नेम नहीं बता रही हूँ. सो ये मेरा पूरा एक ही उसका चल रहा है, वो मैंने यहाँ लास्ट में लिख करके रखा हुआ है. कॉल पे उसको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे करना है, क्या करना है. शी कुडंट टेक माई कॉल बिकॉज वो अभी थोड़ी सी बिजी है, तो मैंने उसको मैसेज ड्रॉप किया है, हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे. तब तक स्टार्ट करती हूँ मैं अपना वीडियो शूट करना. ये ना मेरा स्टफ जिसके लिए मैंने वीडियो फिल्म करना है. ये पहन करके ही मुझे वीडियो में बैठना है और नीचे कर देते हैं स्लीव्स थोड़ी. कुर्ती के साथ भी कितना अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप आराम से किसी भी कलर की कुर्ती इसके साथ पहन सकते हो, इट लुक्स गुड. सोच रही हूँ फाउंडेशन तो नहीं लगाती हूँ, सीलर लगा लेते हैं. जो ये है कंसीलर का कलर, ये मेरे स्किन के कलर से थोड़ा सा डार्क है, यही होता है मेरी स्किन के साथ, बस मैं यही कलर यूज करती हूँ. फिर थोड़ा कलर वो हो जाता है धूप में, अभी क्या इतने दिन से घर में रह रहे हैं तो शायद थोड़ा बेटर हो गया है या जो भी है. ये ब्रश मैंने मंगवाया था, ये सिर्फ 300 रुपए का ब्रश है एंड यू वोंट बिलीव इट, दिस वर्क लाइक अ मैजिक. स्टार्ट करी थी ना अपना मेकअप वगैरह करना, तब तो मैं सब यूट्यूब वीडियोस देख देख के अपन सीखते हैं. ये ब्रश सजेस्ट करती थी मैक के, तो इसके तो वो एक और कौन सा ब्रांड है, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया यार. इसके ब्रशेज आते थे तब, ऐसे कंपनीज बहुत ऐसे चीप रेट में ब्रशेज नहीं निकालती थी, बट अब तो इतना सही सही ऑप्शन आता है कि एक्सपेंसिव ब्रश लेने की कोई जरूरत है नहीं वैसे आप लोगों को. और अगर आप मेकअप में नहीं भी, आई थिंक कॉम्पैक ऐसी चीज है जो हर इंसान लगाता है. बाय दिस ब्रश, दिस इज अमेजिंग. मैं इसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में. बढ़िया कवर में आता है, गंदा भी नहीं होता है. आप आराम से यूज करने के बाद इसको कवर बंद करके रख दीजिए, सो हैंडी. जो शूट करना है ना तो वीडियो में थोड़ा ब्लश व्लश लगा लो तो अच्छा लगता है. ज्यादा तो नहीं हो गया, नहीं तो मैं ऐसे बंदरिया टाइप की लगूं. लोग इस लिपस्टिक को देखने के बाद पूछेंगे कि ये शेड कौन सा है. अब देखो ये रेड एंड ब्रिक मिक्स कलर है, तो मैं प्लम पंच बाय मामा अर्थ. नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचिज टाइम कॉर्नर. ओके गाइस, मेरा जो वीडियो है वो शूट हो चुका है एंड अभी हाल देखिए ऐसा होता है. अभी मुझे एक और फिल्म करना है बट मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, तो मैं खाना खाने के लिए जा रही हूँ. और ये देखिए मैंने इस कुर्ती के साथ भी ना यही वाला पैंट, मैं पूरे टाइम यही पहनी रही हूँ.
ओके गाइस, तो अब जो है मेरे पास अमेजन खाना वाना खा लिया है, अमेजन के पार्सल्स आए हैं तो उसको ओपन करती हूँ, बिकॉज ये भी मुझे वीडियो बनाना है। आज ही आए हैं, आज ही मैं वीडियो बना बनू के फ्री हो जाती हूँ। आप फ्रेंड्स के अलावा तो कहीं और पहन ही नहीं सकते हो। ओके गाइस, तो अभी मैं आप लोगों को पूरा हॉल दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर के आई थी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो वो बहुत ही प्रिटी सी साड़ी जो मैं आपको बताई थी उससे। मैं दिवाली पे पहनूंगी और मेरे कजन की शादी भी आ रही है जनवरी में, तो उसकी शादी में पहनने के लिए हो जाएगी। सो दिस इज द साड़ी, बहुत ही प्यारा सा मस्टर्ड कलर है एंड इसमें आप प्रिंट देखेंगे ना तो इस तरीके का प्रिंट बना हुआ है एंड दिस इज द बॉर्डर। इसका पल्ला मैं आपको दिखाती हूँ, मैं ओपन नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो रोल प्रेस जो होती है ना वो हुई है। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस साड़ी इज पूरी ऑल ओवर इस तरीके से है। आजकल ड्रेप भी करते हैं तो उन्हें बकायदा जब मुझे ड्रेप करी बहुत सुंदर लग रही थी, मेरे ऊपर गर्ली भी लग रही थी और एट द सेम टाइम बहुत प्रिटी लग रही थी। तो इसका जो प्राइस है ना ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, वैसे इसका रेट था 2920 में, जबकि मेरा बजट अच्छा खासा था, मतलब मैं गई थी लेने के लिए 5-6 तक की रेंज में। बट मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी तो फिर फालतू में क्यों पैसे वेस्ट करना। अब इसके जो ब्लाउज है ना मैं वो आपको दिखाती हूँ। एक तो ये ब्लाउज आया है, मतलब ऑल ओवर इस तरीके का पैटर्न है ये, और दूसरा जो मेरे को ब्लाउज मिला है वो ऐसा प्रिंटेड मिला हुआ है, तो ये तो डेफिनेटली मैं स्टिच नहीं कराने वाली हूँ, इस पर ये उठेगी भी नहीं। जो इसका लुक आएगा ना वो आएगा इसके ऊपर, इस ब्लाउज के ऊपर, और देखते हैं कैसा स्टिच करवाती हूँ। वो मेरी बुटीक वाली वो जो मैंने जिनका बोली थी ना बहुत एक्सपेंसिव, उनने कुर्ते की सिलाई ली है, उन्हीं के यहाँ ब्लाउज तो मैं उन्हीं के यहाँ ही स्टिच करवाती हूँ। वो भले ही पैसा लेती हैं बट ब्लाउज वो A1 स्टिच करती हैं। तीनों के सारे ब्लाउज उन्हीं ने स्टिच करे थे और मैं ना पहले जिसके यहाँ स्टिच कराती, जो मेरी रेड साड़ी का ब्लाउज है, मैंने मुंबई में एक आंटी के यहाँ स्टिच कराया था, मेरी पुरानी सोसाइटी जो है रुनवाल, उन्होंने वो ब्लाउज स्टिच करा था, एन अमेजिंग फिटिंग दी थी एक बारी में। इवन मेरा जो ब्लू कलर का लहंगा है ना, पिक्चर डाल दूंगी यहाँ पे, ये भी मैं फैब्रिक लेकर के आई थी मंगलदास मार्केट से और उन्हीं ने ये पूरा जो लहंगा स्टिच किया था। ऑल्दो ने स्टिचिंग भयंकर ली थी, 5,000 या 4,500 रुपए पूरे लहंगे की स्टिचिंग ली थी, बट वो ये था कि पहनने पे मजा आ गया था और जब आप पहनते हो ना फिटिंग से बहुत बहुत डिफरेंस होता है। ये है, अब आप लोग शॉप का नाम पूछोगे तो दिस इज फ्रॉम अग्रवाल साड़ीज, और हाँ तो ये है। और एक और जो मैं आपको बता रही थी कि वो जो एक्सपेंसिव वाली साड़ी है मुझे पसंद आई, वो अग्रवाल की नहीं थी, वो कहीं और पसंद आई थी। बट मेरी मम्मी कह रही है तुम इतनी महंगा, अगर तुम्हारा बजट है 11-12 हज़ार का तो तुम एक शॉप है यहाँ पर, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वहाँ पर जाकर के जो और भी अच्छी साड़ी देखो, अगर कहीं और नहीं जमता है तब फिर वो जाकर के लेना। बट मैं सोच रही थी तब तक पता चलेगा वो बिकी गई है साड़ी, खैर हालांकि वो मेरे लक में होगी ना तो वो मुझे मिल जाएगी मैं जब भी जाऊंगी, क्योंकि ठीक है कोई बात नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट उस पर। तो मैंने ना नेक्स्ट दो कुर्ते सूट ऑर्डर करे थे, एक तो मैंने ये कुर्ता ऑर्डर किया है, सो दिस बहुत ही प्यारा है, आप उसका कलर कॉम्बिनेशन देखो, दिस इज पर्पल एंड पिंक, एंड मेरे पास ना रेड रेड बहुत रेड पिंक येलो बहुत हो गया था, तो मुझे ना कुछ अलग कलर चाहिए था, सो दिस इज द कलर। और मैं पेस्टल कलर ज्यादा पहनती नहीं हूँ, तो ऐसे दिवाली विवाली के दिन भर पहनने के लिए ऐसे कुछ के लिए बहुत अच्छा सूट मैंने मंगवाया है, वो मैंने मम्मी के लिए मंगवाया है, उनको बहुत पसंद, मतलब मैंने पहले ही अपने लिए मंगवाया था बट उनको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था और मुझे इतना जम नहीं रहा था मेरे ऊपर, तो फिर मैंने बोला ठीक है मैं ये आपके साइज़ का मंगवा देती हूँ। तो ये एक सूट है, काफ़ी प्यारा लग रहा है, कलर बहुत प्यारा है और ये इसका बॉटम है। पहले तो आते हैं पैंटालून्स में गई थी मैं, तो जब मैं पैंटालून्स गई थी तो वहाँ पर उन लोगों का नया होम सेक्शन स्टार्ट हुआ है, जैसे ही मैं उनके होम सेक्शन में गई आई सॉ दिस। मेरे पास ना एक मैंने वेस्ट साइड से इस तरीके का केक स्टैंड परचेज किया था, वो पूरा फ्लैट है बट ये ना हल्का सा ऐसे देखो यहाँ से ऐसा फ्लैट नहीं है, कुछ इसमें आप रख सकते हो, तो मैंने सोचा है कि ये सेंटर टेबल पे या डाइनिंग टेबल पे कैंडल रख सकते हो आप, मनी प्लांट रख सकते हो, इस तरीके का कुछ रख सकती हूँ, तो मैंने उसके लिए लिया है ये। और ये मुझे पड़ा है 899 का, गोल्डन कलर का, ये मुंबई वाले घर के लिए, यहाँ के लिए नहीं है, तो है ये। तो अगेन इसमें देखिए पास से दिखाती हूँ मैं, ऐसे होम लिखा हुआ है और गोल्डन और वुड कलर के उसका है, तो मैं जो टीवी यूनिट के ऊपर हमारी यूनिट रखी हुई है, पहले मैं ये दो लेने का सोच रही थी बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक बचा था, मैंने कहा चलो अब एक ही ले लेते हैं एक बचा है, तो ये मैंने लिया है, जाऊंगी तो ये सब वहाँ छोड़ के भी आ जाऊंगी। डेनिम जैकेट जो मैंने आपको बोला था ना एलन सोली वाला,
तो ये वो लिया है, थोड़ी महंगी है बट बहुत अमेजिंग लग रही थी। और मुझे ना थोड़ी लूज फिटेड, मेरे पास एक लीवाइस की भी है, वो अब मुझे थोड़ी फिटेड होने लगी है। तो कभी कभी आपका फिट मैंने पहनने का मन करता है और कभी आपका लूज पहनने का मन करता है। हाँ, 2299 और मैंने एल साइज में ली है। सो दिस इज माई नेक्स्ट पीस, पहनने में बहुत स्मार्ट लगता है। दिस इज द टॉप, अच्छा लग रहा था मुझे ये पहनने पर, फिर घर आके मैं थोड़ा रिग्रेट कर रही थी कि मैंने ये क्यों ले लिया। जो सेकंड मैंने टॉप खरीदा है ना, वो खरीदा है, बहुत ही छोटा सा टॉप है। मेरे को घर पे जब दिखाया तो वो पूछ रहे थे कि ये किसका बच्चे का टॉप है या कोई ऐसा। दिस इज द टॉप, क्रॉप टॉप। मैं यूजुअली पहनती नहीं हूँ बट मैंने ऐसे डेनिम वेनिम पहनने के लिए, ऊपर जैकेट पहनने के लिए, या एकदम लूज फिटेड आप जीन्स पहनते हो तब पहनने के लिए मैंने लिया है, ले लिया है शॉक शॉक में। अदरवाइज ये मेरा वाइब बिल्कुल खत्म हो चुका है, इस तरीके का टॉप मैं नहीं पहनती, बट मेरा मन हो गया था लेने का। ये लीक ऊपर का टॉप लिया है, तो क्रॉप टॉप है ये। एक्चुअली डिस्काउंट चल रहा था लीक ऊपर में, वैसे 1500 का है बट मुझे आफ्टर डिस्काउंट ये मात्र 400 रुपीज में मिला है। तो बस टॉप से लिया है फ्रॉम द ब्रांड वेरोमोटा, ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये है नेक्स्ट टॉप। तो बस इतनी ही शॉपिंग करी है मैंने। तो अब क्या हुआ, मैंने सोचा चलो कुछ खा के आती हूँ ऊपर जाकर के। तो जैसे ही मैं ऊपर जा रही थी, जिस रास्ते से, वहां सामने मुझे दिख गया इनकी शॉप, तो मैंने ये भी खरीद लिए। मतलब आई एम मुखवास लवर, जितने तरह के माउथ फ्रेशनर्स होते हैं ना मेरे घर में आपको सब मिलेंगे। खाना खाने के बाद मुझे कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है, कुछ नहीं होता है तो मैं सौंफ खा लेती हूँ, बट आई वॉन्ट समथिंग। मीठा नहीं चाहिए होता है बट मुझे कुछ चाहिए होता है। तो सबसे ज्यादा मैं पान मसाला खाती हूँ, दिस इज अ मीठा पान मसाला। तो जिस ब्रांड का मैं लेती थी ना, वो यहाँ भोपाल में अवेलेबल नहीं था, मुंबई में तो बहुत आसानी से मिल जाता था बट यहाँ नहीं मिल रहा था। तो जैसे ही मैंने, उनने मुझे 3-4 वेराइटी के पान मसाला चखाए, जैसे ही उन्होंने मुझे ये चखाया, आई वॉज लाइक दे दो भैया जल्दी पैक कर दो, बहुत देरों बाद मिला है खाने को। तो इसको बोलते हैं कलकत्ता पान मिक्स है। कहीं पे भी मुखवास की शॉप लगे ना तो आप वहाँ पे कलकत्ता पान मिक्स बोलना और चख के देखना और मजा आ जाएगा आपको। अगर आप मेरे टेस्ट को पसंद करते हैं तो यू विल गोइंग टू लव इट। सो दिस इज द, और किसी ने खाया तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना भी जरूर। उसके बाद ये है दी पुदीना गोली, ये तो आई थिंक बहुत लोगों ने खाई होगी, बहुत टेस्टी लगती है। उसके बाद ये है हींग गोली, मैं ना एक वो भी खाती हूँ आंवले की, वो आती है बहुत टेस्टी होती है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, मिलेगी तो मैं बताऊंगी कभी। तो इफ़ यू आर अ मुखवास लवर, ट्राई ऑल दीज थिंग। और अगर आप मेरे से बड़े वाले मुखवास लवर हैं तो मुझे कोई फ्लेवर्स बताना अच्छे वाले खाना खाने के बाद खाने। चलो अब तुम अपना मोबाइल का वो वाला पेज खोलो जिसपे मैंने तुमको फोटोज भेजे हैं। की जो उम्र होती है वो हमारे डेस्टिनी नंबर वो करता है, रूल करता है। 3-4 साल का है, उसके बाद तेरे जो रूल करेगा तेरी लाइफ को वो केतु करेगा, क्योंकि 2 और 7 बहुत स्लो नंबर्स कहलाते हैं। तो इस वजह से तेरे को लाइफ में जो भी चीजें मिलती है ना, वो मिलती तो है बट बहुत मेहनत के बाद मिलती है ना, क्योंकि जो मैंने हार्ड, जो उस टाइम पे सपोर्ट चाहिए उस टाइम पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। मेकअप एक्सपायर हो गया है मालूम क्या, अभी इधर भसड़ में मेकअप करते बैठेंगे कि लाइफ संभालेंगे। चल ओके ठीक है बाय। इसको भी दी है और जो मैं पहले करके आई थी उसको भी दी है, तो अभी मेरे 2 हो गए हैं। मैं बिल्कुल इनका नोट कर रही हूँ और मैं अपडेट ले रही हूँ बकायदा कि भाई तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो मेरे रेमेडीज, बिकॉज आप रेमेडी नहीं करोगे तो नहीं। अब तो जो भी आप, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो गया, चाहे न्यूमरोलॉजी हो गया, चाहे वास्तु हो गया, ये कोई भी 100% इफेक्टिव नहीं होते हैं, ये 70-80% ही। ये तो एक स्टडी होती है, जैसे आपने 50 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया उसमें से 45 लोगों का सही हो गया है ना, आपने 100 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया उसमें से 90% लोगों का सही हो गया, तो वो जो 90% काउंट हो गया उसको बोला जाएगा मैक्सिमम लोगों का हुआ है। तो मतलब हम ये मानेंगे कि 70-80% ये बेनिफिशियल होता है। Now, sorry for the mess, ये सब फेंकने का सामान है, यही होता है क्योंकि so, जिस दिन भी कोरियर आता है या पार्सल आता है यही होता है हमारे कमरे का हाल। ओके सो ये सब सामान लेके जा रही हूँ, जो सूट मैंने पहन लिए हैं वो सब लेके जा रही हूँ, ये लेके जा रही हूँ, ये होम लेके जा रही हूँ, ये टॉप लेके जा रही हूँ। सो आई लव दिस पैंट, यही पैंट पहनी हुई हूँ मैं दिन भर से। तो इसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, डेफिनेटली चेक जरूर करना, ट्राई जरूर करना। और ओके सो बहुत बोल चुकी हूँ मैं, बकर बकर वाला ब्लॉग हो चुका है, ये बताना बोर तो नहीं हो गए। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।